हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, स्मर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध है। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमान स्कूल के बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मेराल से अमरेश राव की रिपोर्ट। खजूरी में हो रहे NH 75 बाईपास का कार्य निर्माण ने रोका, कहा जब तक मुआवजा नहीं तब तक बाईपास का कोई काम नहीं। मेराल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजूरी में हो रहे NH 75 बाईपास का निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें हमारी जमीन का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम NH 75 बाईपास का निर्माण कार्य को हम नहीं होने देंगे। परियोजना प्रबंधक ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी ने बताया कि यहां पर ROW फिक्सिंग का काम चल रहा था, लेबर और इंजीनियर आए हुए थे, तो यहां के ग्रामीणों ने पेमेंट नहीं होने के कारण कार्य को रोक दिया। परियोजना प्रबंधक ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि इनका पेमेंट प्रोसेस में है, 15 दिनों के अंदर में इनका पेमेंट हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी ने ग्रामीणों से अपील की कि पेमेंट होने तक काम को होने दें, तो ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पेमेंट नहीं मिल जाती तब तक काम को नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाते हुए बताया कि यहाँ के पदाधिकारी हम लोगों को अंधकार में रखकर हम लोगों को उलझाते रहे हैं। ज्ञान प्रकाश शुक्ला सर, परियोजना प्रबंधक NH 75 विषय क्या सर? यहाँ पे ROW फिक्सिंग का काम करवाने की उसे लेबर और अपने इंजीनियर्स आए थे और ग्रामीणों ने पेमेंट ना होने के चलते जो है काम को रोक दिया है। इनका पेमेंट प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगेगा और पेमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारी अपील थी कि पेमेंट ना होने तक ये लोग काम करने दें, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। तो मतलब इनका पेमेंट प्रोसेस में तो कब तक सर क्लियर हो जाएगा उसका? अब उसके बारे में तो डिपार्टमेंट बताएगा कि 10 दिन लगेंगे कि 15 दिन लगेंगे। मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब अभी सूचना नहीं दिया? प्रोसेस में है, प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, अभी 3G नहीं हुआ है। 3G हो गया? 3G हो गया है, तो 3G हो गया है तो फिर 10-15 दिन और लगेगा। और हमारी अपील थी कि अगर काम करने दे तो अच्छा होता, पेमेंट तो हो ही जाएगा, आगे पीछे होता ही रहता, सबका हो रहा है, इनका भी हो जाएगा, कहने का मतलब यही था। और ये करीब 100 साल पहले ये फॉरेस्ट लैंड में था, इस चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हुआ, नहीं तो हो जाता तक पेमेंट इनका भी सभी के साथ, यही सब देरी होने का यही एक कारण था। आप लोग बताइए सर, ये जमीन हम लोगों का पुरखौती है, करीब 150 वर्ष से 200 वर्ष से इस जमीन पर हम लोग अपना आबाद करके खेती गृहस्थी करके इस पर परिवारी करा रहे हैं, मकान बना के परिवारी करा रहे हैं, खेती करके कुकियारी बनाए हैं, धान होता है, कुआं इसमें है, परिवार का भरण पोषण इसी खेत होता है, इसके खेत के अलावा बहुत लोगों का दूसरा कोई जमीन नहीं है। और इस जमीन में 1922 ईस्वी में सिविल कोर्ट के माध्यम के द्वारा इस जमीन पर खुटगड़ी करके ढोल बजाकर डिलीवरी ऑपोजिशन के द्वारा सभी रियतों को कब्जा दिलाया गया है, और उसके बाद जमींदारी उन्मूलन के बाद यहाँ इस जमीन का बिहार सरकार के आदेशानुसार रिटर्न भी दाखिल किया गया है। और इसमें 1946 ईस्वी में तत्कालीन SDO के द्वारा हरि बिंद के पिता एक दादा रामदेवी बिंद के नाम से 1946 ईस्वी में माल बंधा हुआ है, और कुछ रियत का रिटर्न के आधार पर आपका बुझारत हुआ, बुझारत के कुमांडर देने के बाद सबका AR बना हुआ है, कुछ रैयत लोगों का इसमें 1960 ईस्वी से रसीद कट रहा है AR के माध्यम से, और आज हम देख रहे हैं कि 60 वर्ष से लोग AR के माध्यम से रसीद कटा रहे हैं, स्टैचू में लोगों का डिमांड चल रहा है, रसीद कट रहा है, हर साल अपना सरकारी शिक्षा के अनुसार लोग अपना सरकारी मालगुजारी जमा कर रहे हैं, और उसके बाद में ये जो रिविजनल सर्वे आया इसमें सारा जांच पड़ताल करके सभी रैयतों को बंटा पर्चा मिला है, जिसके आधार पर इन लोगों को कब्जा घोषित होता है। और हम देख रहे हैं 30 वर्ष से ऊपर 50-60 वर्ष से रसीद कट रहा है और जोतकोड़ कर रहे हैं। रैयतों का कहना है कि मुआवजा अन्य गाँव के रैयतों के भांति
हम सबों को मुआवजा का भुगतान करके सरकार रोड बनावे। रोड बनाने में हम लोगों का किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, विरोध मात्र है कि मुआवजा देकर के देने के बाद उसका रोड का निर्माण किया जाए। हम लोगों का यही मांग है कि सभी रहतों का कि अन्य गांव के रहतों के भाती हम लोगों को भी मुआवजा भुगतान किया जाए। यदि लोग प्रशासन कहता है कि ये जंगल घर में जरूरत था, जंगल जहाज था, तो ये 1914 ईस्वी का है, वो आज 107 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद 1922 ईस्वी में जब यहाँ कोर्ट के द्वारा डिलीवरी पोजिशन दिया गया, उसके बाद सब लोग अपने परिवार के द्वारा अपने मेहनत द्वारा कोड़ कर करके खेत बनाए, आबाद किए, घर बना के रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं और माल बंधा। आज सर्वे में भी लोगों को में भी पैसा बंधा पैसा मिला, इसमें खेती गृहस्थी कर रहा। तो अब ये तो नेचर चेंज हो चुका, अब ये जंगल झाड़ी नहीं है। जंगल झाड़ी कहना गलत है, सरासर गलत है। और ये गढ़वा जिला के और प्रखंड में जहाँ सर्वे फाइनल हो गया, वहाँ उस गांव में गर्मजुआ जमीन का ही नेचर चेंज करके वहाँ रेती काम कर दिया गया है। ये यहाँ रेती सर्वे का फाइनल न करना ये प्रशासन की विफलता है, इसमें किसी रियत का कोई दोष नहीं है। इसलिए प्रशासन अपना गलती सुधार करके और रेतों का मुआवजा का भुगतान कर दे, और भुगतान करने के बाद रोड बनावे, बाईपास बने, और उसमें हम सबों का जो भी अपेक्षित सहयोग है उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस यही मांग है कि जब तक मुआवजा का भुगतान नहीं होता है तब तक इसमें किसी प्रकार का काम अभी न किया जाए। यहाँ सर कौन सा क्षेत्र में यहाँ पड़ता है? है? कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये गढ़वा जिला के गढ़वा अंचल में एक खजूरी ग्राम पर है, इसका थाना नंबर 222 है, और ये प्लॉट पड़ता है 832 प्लॉट के अंतर्गत है, खाता 75-832 है। इसका कुल रकबा 25 एकड़ 50 डिसमिल है, इसमें केवल जा रहा है आपको 10 एकड़ 56 डिसमिल, बाकी जमीन जो अभी सारा ये जमीन आबाद है और सारा आके देखने लायक चीज है। ये सभी खेती किए हुए हैं, धान रोपा हुआ है, सब यही मुख्य आजीविका का साधन है। खेती देखा जा सकता है, हुआ है, धान रोपा हुआ है, सब इसमें अभी मकई जला रहा है, सारा खेती हुआ हो रहा है इसमें अभी। आदमी और बोलिए आपको कुछ उसका जो है एसडीओ कोर्ट से हुआ था, केस हुआ था, उसमें फाइनल हुआ है, उससे माल बना गया है और 70 बरस से ऊपर से रसीद मेरा कट रहा है। उसमें कुआँ है, खेती है, लगा हुआ है और जो है सरकार बोल रही है कि मैं सरकार है, इसके चलते जो है मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को काम रख दिया है कि भाई इस मौके पर वहां पे उपस्थित रवि प्रकाश उर्फ लड्डू, राजेंद्र दुबे, हरि प्रसाद बिंद, गोपाल ठाकुर, रंजन ठाकुर, रामन शंकर ठाकुर, राम बहादुर साहा, धनंजय बिंद, अविनाश बिंद, मनोरंजन ठाकुर, शशि साहा सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। धन्यवाद। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।